जदयू में नंबर टू की हैसियत पा गए इलेक्शन स्ट्रेटजिस्ट प्रशांत किशोर ने बिहार की सियासत को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मेरे कार्य करने की शैली से बिहार में नीतीश कुमार के पुराने और बेहद करीबी माने जाने वाले सांसद आरसीपी सिंह परेशान नहीं है और न ही मंत्री ललन सिंह को कोई टेंशन है। खुद के बारे में प्रशांत किशोर ने कहा कि मेरी हैसियत तो कांस्टेबल की बदली करा देने तक की नहीं है। प्रशांत किशोर ने यह बयान नई दिल्ली में दिए गए एक इंटरव्यू में दिया। उनसे पूछा गया कि ऐसा आपके भीतर क्या है कि आप जिनके करीब होते हैं उनके पुराने वाले सभी करीबी परेशान हो जाते हैं। ऐसा नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार दोनों के साथ हुआ है। सवाल पूरा होता इसके पहले ही ऑडियंस से नरेंद्र मोदी मामले में अमित शाह का नाम आ गया। नीतीश कुमार से जुड़े सवाल में तो बजाबता आरसीपी सिंह और ललन सिंह का नाम लिया गया। आरसीपी सिंह और ललन सिंह का नाम सुनते ही सबसे पहले प्रशांत किशोर बहुत तेज हंसे, फिर कहा कि ये सब बेकार की बातें हैं, ऐसा कुछ है ही नहीं। इसके बाद भी किसी को लगता है तो वो इसे अपनी कमजोरी मानकर सुधारेंगे। प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार में वो संगठन पर काम कर रहे हैं, सरकार का कोई काम उनके पास नहीं है, इसलिए उन्होंने सबों से कह रखा है कि पैरवी का काम उनके पास नहीं है। मैं किसी कांस्टेबल की बदली भी नहीं करा सकता। मेरी समझ है कि सरकार के काम में दखल देने का अधिकार नहीं है, जिसने या तो सरकार में शपथ ले रखी है या फिर जनता के बीच से चुनकर आए हैं। उन्होंने कहा कि मेरे काम से आरसीपी सिंह और ललन सिंह परेशान हो ही नहीं सकते। कारण है कि मैं संगठन का काम कर रहा हूं। जब संगठन मजबूत होगा तो सबसे पहले फायदा इनको ही मिलेगा, क्योंकि जिनके नाम लिए जा रहे हैं उनमें से एक सांसद है और दूसरे बिहार सरकार के मंत्री हैं। स्ट्रेटजिस्ट प्रशांत किशोर बोले, नंबर टू की बात भी ठीक नहीं है। राजनीति में सब कुछ स्थायी नहीं होता। नीतीश कुमार सब दिन ऐसे ही रहेंगे और सभी चुनाव जीतते ही चले जाएंगे, ये कौन जानता है। मेरी पहचान सबों में से है, लेकिन इसका मतलब बहुत कुछ नहीं निकलता। ग्लैमरस साउंडिंग से आपकी पहचान बहुत दिनों तक नहीं बनी रहती। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव सिटीज डेस्क।